वेलकम विवर्स हाय आज हम आपके साथ महिलाओं में होने वाले मासिक चक्कर के बारे में बात करेंगे बताएंगे कि उसमें कब क्या करना चाहिए क्या खाना पीना चाहिए और कैसे ध्यान रखना चाहिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आगे आने वाले वीडियो को देख सके मासिक धर्म चक्कर यानी महामारी महामारी शुरू होने का मतलब होता है कि महिला अब गर्भ धारण करने के लिए तैयार है इसका समय 28 दिन बाद का होता है कुछ महिलाओं में यह चक्कर 21 से 35 दिन का होता है वैसे सही समय हर महीने में 28 दिन बाद 3 से 7 सात दिन तक का ही होता है शुरुआत के दिनों में मासिक धर्म चक्कर एक महीने में दो बार या दो तीन महीने में एक बार का भी हो सकता है एक महीने में दो बार उन महिलाओं को होता है जो गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करती हैं, और ज्यादा समय के अंतर में उन महिलाओं को होता है जो ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करती हैं। इन कारणों के अलावा और भी कई अंदरूनी कारण होते हैं इस चक्कर में कभी कभी किसी किसी महिलाओं को डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि महिलाओं को डॉक्टर की आवश्यकता कब पड़ती है जब ब्लड और सफेद पानी को छोड़कर रंगीन सलाब निकले जब गंभीर दर्द हो और जब महामारी शुरू होने के एक साल बाद तक भी वह नियमित न हो टाइम पर न आए और बहुत ज्यादा कमजोरी होने पर भी डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ती है महामारी असंतुलित होने के कारण वजन कम होने के कारण मानसिक संतुलित ठीक न होने के कारण ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करने के कारण और अंदरूनी कारण असंतुलित महामारी ठीक होने का इलाज महामारी के पांच से सात दिन पहले या बाद में ठंडी चीजों का सेवन न करें इससे मासिक धर्म चक्कर में रुकावट होती है और दर्द बहुत ज्यादा होता है लहसुन की दो कलियां बीच से काट लें और पानी में डालकर गुनगुना कर लें फिर यह सिरप के रूप में थोड़ा थोड़ा पीना है और कलियां भी खानी है यह प्रक्रिया तीन दिन तक करनी है असंतुलित महामारी ठीक होने का इलाज तुलसी के बीज और पीपल प्लास और नाग केसर के पत्तों को समान मात्रा में ले, ले और इसको कूट लें फिर इसे कपड़ छान कर ले फिर उसमें तीसरा हिस्सा मिश्री डालें रोज सुबह दस ग्राम यह पाउडर लें और गाय के दूध के साथ ले लें शाम को खाना खाने से थोड़ी सी देर पहले लेना है और यह नुस्खा आपको दो महीने तक करना है एक चम्मच एलोवेरा और एक चम्मच गुड़ मिलाकर नियमित रूप से खाएं। यह महामारी के सभी दोषों को दूर करने का रामबाण इलाज है आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें हेल्दी लाइफ स्टाइल और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट द हेल्दी लाइफ स्टाइल डॉट इन पर भी विजिट कर सकते हैं धन्यवाद